जसलीन, एक और न्यूज ऐसे खुल के बाहर आ रही है कि वाइल्ड कार्ड से खेसारी लाल घर के अंदर जा रहे हैं, जो सिंगर भी है एक्टर भी है भोजपुरी के, तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेके, कॉन्ट्रोवर्सी भी काफी क्रिएट की गई थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, गेम जाके कितना अच्छा बिग बॉस हाउस में खेलने वाले हैं? खेसारी लाल को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और भोजपुरी मार्केट में उनका बहुत नाम है, तो मुझे विश्वास है कि उनके आने से जो भोजपुरी साइड है वो सब बिग बॉस खूब ध्यान से देखेंगे और व्यूअरशिप बढ़ेगी। जी भी, मैं भी यही सोचती हूँ एक्चुअली कि एक एक डिफरेंट ऑडियंस यू नो जुड़ जाएगी, और जो लोग नहीं भी देखते हैं वहाँ पे बिग बॉस, वो उनकी वजह से देखना शुरू हो जाएंगे बिकॉज वो काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बस, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं टीआरपी गेन करने का बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिल्कुल सबकी पॉपुलैरिटी, आई थिंक सब जो जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनकी एक पॉपुलैरिटी होती है और वो साथ में उस शो में एड ऑन होती जाती है। अच्छा वही ये भी न्यूज आ रहा है कि रश्मि, जैसे आपने कहा कि आप रश्मि को जानती हैं, रश्मि के एक्स बॉयफ्रेंड अरहान खान भी घर के अंदर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, वो कितना ज्यादा ट्विस्ट इंटरेस्टिंग होगा फिर तो, मतलब क्या होगा अब तो, क्योंकि रश्मि की मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था जिसमें रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला उन दोनों की काफी लड़ाइयां हो रही हैं। तो अभी अरहान अगर उनके एक्स बॉयफ्रेंड है तो ऑब्वियसली एक्स वो इसलिए होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ दोनों में तकरार हुई होगी, तो अब बिग बॉस के घर में एक घर में वापस रह रहे हैं तो फिर क्या नई कहानी आती, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ना देखने के लिए। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू।